ज़ रेयर गार्डन में मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल और आज की मेरी वीडियो है अंजीर के ऊपर फिक प्लांट के ऊपर मेरे पास अंजीर की काफ़ी सारी वाइटीज़ लगी हैं उनमें से अभी एक का फ्रूट पक चुका है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ उसको भी मैं हारवेस्ट करूँगा और उसके टेस्ट का रिव्यू दूँगा और आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यहाँ पे ये देख सकते हैं जी आप ये एक अंजीर बिल्कुल पक चुकी है और ये इसका कलर देख लें ब्लैक रेडिश कलर है इसका ये चेक कर लें इससे पहले भी मैंने एक हार्वेस्ट की थी लेकिन तब उसका लाइट कलर था इतना डार्क कलर नहीं था वो मैंने हार्वेस्ट कर ली और उसका जायका बहुत ही मीठा था अब इसको भी तोड़ेंगे और आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और इसका ज़ायक़ा चेक जाएक करेंगे और ये आप साइज़ चेक कर लें प्लांट का ये इसका बेस है ये ज़मीन में लगा है और ये देख लें ये है इसकी हाइट तकरीबन पौने दो तीन फीट तक इसकी हाइट है और ये देख लें इसके लीव्स और इस वैरायटी का नाम मुझे याद नहीं है ये टैग लगा हुआ था नाम जो भी हो खैर आप ये देख लें इसका फ्रूट और ये देख लें ऊपर एक कच्चा लगा है और ये आगे मज़ीद इसके फ्रूट बर्ड्स बन रहे हैं ये देख लें और ये आगे से इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी ग्रोथ चल रही है ये सारा दिन सनलाइट में रहता है तकरीबन आठ से दस घंटे की इसके ऊपर धूप पड़ती है अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है मानसून का सीज़न और बारिशें काफ़ी हो रही हैं हर तरफ़ घास ही घास है ये देख लें और एक और फ्रूट लगा है वो भी आपको दिखा देता हूँ ये देख लें लाइट ग्रीन कलर का ये फ्रूट हो चुका है और मज़ीद थोड़ा और बड़ा हो के ये भी पकना शुरू हो जाएगा और इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे तो चले मज़ीद टाइम वेस्ट किए बग़ैर अपनी फिको को करते हैं ये देख लें जी फिर हमारी हार्वेस्ट हो गई है बहुत ही नरम है ये क्योंकि पक काफ़ी चुकी है इससे पहले भी मैंने जो हार्वेस्ट की थी वो इतनी डार्क कलर की नहीं थी लेकिन मीठी वो भी बहुत थी चलें इसको भी टेस्ट करते हैं ये देख लें जी अंदर से इस तरह है ये चलें इसको टेस्ट करते हैं दिखने में तो ये शहद की तरह लग रही है रस से भरी पड़ी है जिस तरह कोई शीरा इसमें डाल दिया हो वाह कमाल इंतहाई मीठी लजीज़ बहुत ही मज़ेदार कमाल कमाल मज़ा आ गया वैरायटी का नाम नहीं पता लेकिन आपके सामने है फुल राइप है ये और इंतहाई मीठी बहुत ही मज़ेदार कमाल का ज़ायक़ा मज़ा आ गया इसी को अगर फ़्रिज में रखें और ठंडा करके खाएं तो ये मज़ीद बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी खैर अभी तो यही बहुत मज़ेदार लग रही है वाह ये देख लें जी किस तरह इसमें रस भरा पड़ा है जी ये थी फिक की एक और वैरायटी बहुत ही बहुत ही लजीज कुदरत का एक और तोहा जिसका हमने जायका चखा बहुत ही शानदार वैरायटी है अगर मुझे इसका नाम मालूम हो गया तो इन मैं आपसे शेयर कर दूँगा तो ये थी हमारी आज की फ़िक के ऊपर वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाफिज़